ये गाना और इससे जुड़े विवाद से कौन नहीं वाकिफ। अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली फरमानी नाज ने जब से हर हर शंभू क्या गाया, क्या गुनगुनाया, उनके गाने पर कट्टर पंथियों के सुर ही बिगड़ गए। मगर फरमानी नाज ना झुकी और ना ही कट्टर पंथियों के आगे झुकेगी। कलाकार है और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, तो हम कभी भी इस चीज़ को लेके ये नहीं सोचते कि हम मुसलमान या हिंदू का क्यों गा रहे हैं या हम हिंदू या मुसलमान का क्यों गा रहे हैं। तो इससे कुछ वो नहीं है, हम सिर्फ कलाकार हैं, हम गाने के टाइम पे हम सब कुछ भूल जाएं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यूपी के मुजफ्फरनगर की रहने वाली फरमानी नाज एक बार फिर से अपनी आवाज से कट्टर पंथियों की सोच पर तमाचा मारने जा रही हैं। वो भी उसी अंदाज से जैसे हर हर शंभू गुनगुनाया था। इस बार होगा भगवान कृष्ण का भक्ति में गीत। वैसे तो फरमानी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके यूट्यूब पर लगभग 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इंडियन आइडल के सीजन 12 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसके बाद उनको पहचान मिली। भगवान शिव के ऊपर एक गीत गाया और उसमें फरमानी की आवाज और फिर उपजा विवाद। तब भी सवाल यही खड़ा हुआ था कि क्या एक कलाकार का कोई धर्म होता है? नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर फरमानी पर ये फतवे क्यों? वैसे तो फरमानी कहती हैं, जब मैं गाना गाती हूँ तो सब भूल जाती हूँ, मैं कवाली भी गाती हूँ, यहाँ तक कि मोहम्मद रफी ने भी भक्ति गीत गाए हैं। हम सिर्फ कलाकार हैं, हम गाने के टाइम पे हम सब कुछ भूल जाएं। तो यानी अब शिव भजन के बाद कृष्ण भजन की भी तैयारी। हरे हरे कृष्णा बोलने वाले इस हिंदू भजन के लिए फरमानी ने और भी ज्यादा मेहनत की है। बस इंतजार है तो जन्माष्टमी का, जब ये गाना रिलीज होगा। खैर, हर वक्त विवाद का बहाना ढूंढने वाले कट्टरपंथियों से हम तो यही कहेंगे, कोई पूजे पत्थर को कोई सजदे में अपना सिर झुकाता है, कोई पूजे पत्थर को कोई सजदे में अपना सिर झुकाता है, ये एक ही है। बस कुछ इसे पूजा तो कुछ इसे अपना ईमान कहते हैं। एक ही रिवाज, एक ही रस्म, बस कुछ अंदाज बदल जाते हैं, वरना एक ही है, जिसे कुछ उपवास तो कुछ रमजान कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।